हिंदू कोऑपरेटिव बैंक के खाताधारकों की ओर से चल रहा धरना तीसरे महीने के चौथे दिन में प्रवेश कर गया, लेकिन उनका कहना है कि बैंक प्रबंधन उन्हें केवल आश्वासन के लॉलीपॉप ही दे रहा है, लेकिन इस तरह से झांसे में अब वो और नहीं आएंगे और अपना संघर्ष जारी रखेंगे। तीसरा महीना सानू हो गया इतने देखो इन्नी धुप के बारिश के असी इतने किन्ने चिर हो गया इतने बैठे, पर अजे तक सानू किसी ने भी यह भरोसा नहीं दिता भाई थोड़े पैसे वापस कराने। इस वेले देखो एज किन्नी है 74 साल की उम्र है, तो 3 महीने हो गए सानू इन्हों का स्यापा करते हैं। MLA को गए हैं, DC साहब को गए हैं, असी सारियां नू मिलके देख लिया है, सानू भरोसा वो जरूर देंदे आ तुहाडी गल जिहड़ी है वो CM तक पहुँचा देंगे, तो CM कोई सौं गया दा CM कोई सौं गया दा, ये सारी कागजी कार्रवाई है। यूनाइट होटल वाला माड़ा आ, बनारसी माड़ा आ, फिर वो अमन भला रमन भला जिहड़ा उत्थे कोटली हैगा वो माड़े आ, ये दिखावा है जी। इन्हां नू फड़न च दी किसे च ताकत नहीं हैगी। गल सुनो, इन्हां दीआं कोठियां आ, इन्हां दीआं कोठियां जिहड़ियां उन्हां नू ताले क्यों नहीं लगदे? यूनाइट होटल नू ताला लाओ, नहीं तो सानू देण अथॉरिटी, असीं ताले लाने आ, असीं नहीं ला सकते हैगे। साडा अगला कदम मैं तुहानू दस दिता, 5 सितंबर तक इन्हां कोल टाइम है, नहीं तो मैं इत्थे मरांगी, मैं इत्थे मरांगी। हिंदू कोऑपरेटिव बैंक के अगे धरना दे के इत्थे मरांगी, क्योंकि मेरी कुड़ी फिर दाखिल है उत्थे जम्मू हॉस्पिटल दे विच, मैनू पैसों की सख्त लोड़ है। अज साडा जिहड़ा सत्याग्रह है उहदा हिंदू कोऑपरेटिव बैंक के खिलाफ तीसरे महीने का, अज उहदा चौथा दिन आ, तीसरा महीना सानू स्टार्ट हो गया। बैंक की मैनेजमेंट सरकार या शहर वाले नुमाइंदे कोई साडा कोई सुध नहीं लैंदे पे, इन्हां ने लिस्ट जारी की है, वेख लो तुहाडे सामने लिस्टां लगे दियां हैगियां, इन्हां ने लिस्टां जारी कीतियां बैंक के डिफाल्टरां दियां, जिहड़ी जिहड़ी प्रॉपर्टी की ऑक्शन है उन्हां दी लिस्टां जारी हो गईआं। शहर के शाहूकारां नूं बेनती हैगी है कि आ के साडा हल कीता जावे, थोड़ी प्रॉपर्टी खरीदो ताकि बैंक के जिहड़े शहर के डिपॉजिटर आ उन्हां नूं पैसे वापस मिलन। दूजी गल, असी बैंक के जिहड़े मेहता साहब हैगे आ अमन मेहता जी, उन्होंने अज तो साल पहला एक FIR दर्ज कराई ही सुरेश गुप्ते के खिलाफ, अजे तक उस FIR का कोई सुध किसी ने नहीं ली, ना ही पुलिस वाले कुछ करन डे आ, ना ही उपर सरकारां कुछ करन डीआं, ना ही उहदा कुछ करन डिया। वह बंदा कित्थे आ, फरार है नहीं हैगा, किसी नूं कुछ नहीं पता। जे बंदा एडा वड्डा फरार करके मतलब फ्रॉड करके फरार हैगा तो अं उन्हूं की करिए, यदा मतलब तो अं भी चोरी हो जिन्होंने बैंक च पैसे जमा कराए थे, कल अं भी दौड़ जाएंगे पैसे लैके, तो की कर लेगी सरकार? साड़ी सरकार अंगे मंग है कि वह FIR का कुछ ना कुछ जल्दी तो जल्दी किया जाए। बोली तो होएगी पर बोली देने वाला कोई नहीं होना। 2 करोड़ वाला प्लाट इन्होंने 8 करोड़ गिरवी रखाया था, इन्होंने कितों बेच लेने है? अं तो कहने जिन्हें जिन्हें पैसे बनते उन्होंने उन्हें दौ तो स्यापा मुके, कोई भी बंदा कुछ नहीं करके राजी है। उस तो बाद शहर के जेडे इस वेले बंदे जिन्हां ने बैंक चलाया है वह होंगे बोर्ड ऑफ डायरैक्टर, बोर्ड ऑफ डायरैक्टर के चेयरमैन रहे ने रमेश शर्मा जी, CP जंडियाल जी, ठीक है जी, अपना महेंद्रपुरी जी, वह कितने ने? वह भी नहीं कुछ बोलते पे, साडे पक्ष ही कुछ बोल दौ। उस वेले तो उस वेले सब कुछ चलता तो उन्होंने कहते ही ना, उन्होंने पूछो जाके, वह भी नहीं कुछ बोल के राजी, अं तो आप दुखी बड़े है।